Hey guys, welcome to TrickyDaya. आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग एंड ऑनेस्ट रिव्यू देने वाले हैं सेनहाइजर का इन ईयर वायरलेस हेडसेट का। तो आज हमारे पास ये हेडसेट है और इसको हम करेंगे पहले ओपन, देखेंगे क्या क्या इसके साथ हमें एसेसरीज मिला है, फिर हम करेंगे इसका रिव्यू। और वैसे मैं आपको बता दूं कि इस हेडसेट को मुझे यूज़ करते हुए पर्सनली जो है वो 6 मंथ हो गए, तो क्या मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है सब हम जानेंगे। तो अभी ये बॉक्स है, इस बॉक्स पे आपको जो जो कंटेंट्स है वो मैं आपको बता दूँ। तो पहला यहाँ पे है कि अप टू 10 आवर्स इसकी बैटरी बैकअप है, यानी एक बार हम चार्ज करेंगे तो 10 आवर जो है इसकी बैकअप होगी। तो कितना सही है कितना गलत है इसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि मुझे पता है क्योंकि मैं इसे ऑलरेडी यूज़ कर रहा हूँ। और इसमें जो है वारंटी आपको मिलता है वो 2 ईयर्स की वारंटी मिलता है। और इस बीच में क्या क्या इसमें इशूज़ हुआ है वो भी मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बताऊँगा। फिर इसमें यहाँ पे इसका जो मॉडल नंबर है वो CX7.00BT है, ठीक है, इन ईयर वायरलेस हेडसेट है। और इसमें जो है यहाँ पे सेनहाइजर की ब्रांडिंग है और इसके पीछे क्या क्या दिया हुआ है वो हम देखते हैं। तो इसमें आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 17 to 21,000 Hz तक की फ्रीक्वेंसी है। मैं बता दूं कि फ्रीक्वेंसी का हेडसेट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, जितनी कम फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट होगा उतना ही हमें क्लियर बेस देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। इसमें जो टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्जन है वो लेस देन 0.5% है। तो अब जो है इसका जो प्राइस वगैरह हम सारी चीज़ें जो है देखेंगे। तो पहले हम करते हैं इसको अनरैप और देखते हैं क्या क्या इसमें चीज़ें हमें मिली हुई हैं। तो फिलहाल करते हैं इसे ओपन। तो ये जो है मेरा यहाँ पे, दिस इज बॉक्स, रखते हैं साइड में। और इसके साथ हमें मिला है ये ईयरबड्स। इसमें 3 different types के ईयरबड्स हैं, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज है इसमें। तो इसको हम रखते हैं साइड में, ईयरबड्स वगैरह हैं। फिर आपको ये मिलता है यूज़र मैनुअल, इसको मैं ओपन नहीं करता हूँ यार, ऐसे ओपन करके क्या मतलब है, ठीक है, इसमें कैसे यूज़ करना है और क्या क्या इसमें प्रिकॉशंस वगैरह है ये सारी चीज़ें इसमें दिया हुआ है, इसको रखते हैं साइड में। ये आपको मिलता है एक थैला पाउच, इस पाउच में आप जो है अपने ईयरफोन्स वगैरह को रखोगे या फिर जो भी इसमें जो एसेसरीज आपको जो भी अच्छा लगे उसमें आप रख सकते हो। तो ये बहुत अच्छा नहीं है बिल्कुल, ये नायलॉन कॉटन क्लॉथ में है, इसको रखते हैं साइड में। अब ये जो है हमारे पास ये है हेडसेट, ओके। तो इसको हम करते हैं ओपन। तो ये जो हो गया हमारा यहाँ पे हेडसेट, और अभी जो है हम इसके बारे में देखते हैं कि ये जो हेडसेट हमारे पास है ये कैसा है। और अभी आप यहाँ पे इसे देख पा रहे हो, यहाँ पे सेनहाइजर की ब्रांडिंग है और ऐसा नहीं कि इसे बिल्कुल इसे लिखा हुआ है, बिल्कुल इसके पे कैविटी बनी हुई है, जो है सेनहाइजर की कैविटी है पूरा, और उसके अंदर जो है ये सब चीज़ें जो है वो लिखी हुई है। और यहाँ पे ब्लू कलर का यहाँ पे एक स्ट्रिप है, ठीक है, और यहाँ पे जो है यहाँ पे भी यहाँ पे लोगो है सेनहाइजर का, ठीक है। अब हम पहले हम इसका स्ट्रिप देखो, आप स्ट्रिप यहाँ पे जब आप देखोगे तो स्ट्रिप काफ़ी यहाँ पे सिलिकॉन का है, यहाँ पे एक लेयर लगा हुआ है जो काफ़ी जो अगर हम नेक पे से रखते हैं तो कंफर्ट काफ़ी फील होगा। और यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे चीज़ें क्या दिया हुआ है। तो अभी आप यहाँ पे देख रहे हो इसमें है NFC और यहाँ पे NFC दिया हुआ, बस इसमें जो है NFC है। और इसमें इस साइड में अगर हम बात करें इसके लेफ़्ट साइड में, तो लेफ़्ट साइड में आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है दिस इज़ अ पावर बटन, और ये आपका है वॉल्यूम प्लस, और यहाँ से जो मल्टी फंक्शनल बटन है जो मिडिल है, और ये जो है वॉल्यूम को डाउन करने के लिए। और इसे आप इसे दबाए रह रहे हो अगर, तो दबाए रहने पे
क्या होगा, यहाँ से ब्लू कलर का जो है इंडिकेशन होगा, तो जो डिवाइस है वो पेयर हो जाएगा। और अगर डिवाइस पेयर्ड है उस समय अगर आप इसे प्रेस करते हो तो ये बताएगा कि कितनी बैटरी इसकी चलेगी, 2 आवर्स, 5 मिनट्स या जो भी है, ठीक है। और तो ये हो गया इसकी पूरा जो की वगैरह है उसका फंक्शन। और इसमें यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, इसको जब आप ओपन करोगे यहाँ पे आप चार्जिंग आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे 2.0 चार्जिंग पोर्ट मिलेगा, ठीक है। और ऐसा भी नहीं कि आप 2 वॉट के जो है चार्जर से इसे चार्ज करो, यानी 0.5 वॉट का जो चार्जर है उससे आप चार्ज करोगे इसे, ठीक है। इसके साथ हमें डेटा केबल भी मिला हुआ है। इसके वायर की बात करते हैं, तो वायर जो है, थोड़ा वायर पर फोकस करते हैं, तो वायर जो है वो अच्छा है, बढ़िया है। और ऐसा नहीं है कि वैसे खींच दूँ तो मैं इसे, ये जो है इसका वायर निकल जाए, टूट जाए। फिर इसके बात करते हैं इसके जो ईयरबड्स वगैरह हैं, ईयरबड्स का क्या जो सीन है। तो ईयरबड्स की अगर हम बात करें तो अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं बहुत ज़्यादा स्मूथ है ये। और इसमें जो है यहाँ आपको सैनिटाइजर की ब्रांडिंग है बिल्कुल शाइनिंग के साथ। और यहाँ पे जो ये है आपका बर्ड्स है, ये काफ़ी स्मूथ है, ठीक है, जो आपके ईयर को काफ़ी कंफर्ट फील कराएगा, ठीक है। मैं इसको इसे एडजस्ट कर दिया। अगर इसके में हम ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो बिल्कुल जो है फ्लेक्सिबल तो बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हम ज़्यादा ऐसे करेंगे इसके टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो हमें ऐसे नहीं करना है बिल्कुल, इसे बहुत केयरफुली हमें रखना है। और ऐसा भी नहीं कि आप इसे पहन के सो जाओ तो उस कंडीशन में भी ये ब्रेक हो सकता है, बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते, ठीक है। अब हम इसको लगा के देखते हैं, तो अभी जो है वो काफ़ी एक प्रोफेशनल टफ जो है वो एक टच दे रहा है। म्यूजिक की बात करें, म्यूजिक कैसा है इसका वो हम देखते हैं। ओके, म्यूजिक इसका जो है वो अच्छा है, बढ़िया है, मतलब बहुत अच्छा बेस नहीं है, क्योंकि मैंने बताया कि फ्रिक्वेंसी इसकी जितनी कम से स्टार्ट होगी उतनी ही अच्छा इसका बेस मिलेगा। अभी जो फ़िलहाल ये सिंगल ड्राइवर है, और सिंगल ड्राइव में अब जितना बेस है उतना सफिशिएंट है इसके हिसाब से। और फिर अगर हम बात करें इसके जो है पर्सनल एक्सपीरियंस का, तो मैं आपको कम्प्लीट इसमें समझाऊँगा। अभी जो जब मैंने इसे परचेस करा था तो 3 महीने बाद इसके एक जो है इसमें 1 पेयर में जो है वॉइस नहीं आ रहा था, अच्छे से नहीं आ रहा था। फिर 2-3 दिन बाद जो है इसमें वॉइस आना कंप्लीट हो गया, वो ख़त्म हो गया। अब ऐसे में सिर्फ एक ही में साउंड हमारा आ रहा था, तो ऐसे केस में हमने कहा कि इसे अब हम कैसे एक्सचेंज करें, क्योंकि इसकी ऑनलाइन वारंटी होती है, किसी शॉप पर हम जा नहीं सकते। तो इंडिया में जो है वो 2 से 3 जगह ही है इसका सेंटर है, एक मुंबई में है, फिर गुड़गांव में है, और इसका बेंगलुरु में है, और कलकत्ता में भी है, ठीक है। अब वहाँ पे आप जो है इसका जो सर्विस है वो ऑनलाइन सर्विस है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप कैसे कांटेक्ट करोगे, कहाँ पे आपको सेंड कर भेजना है। इन केस अगर इसमें कोई इश्यूज होते हैं तो उस केस में आपको क्या करना है कि अपने पर्सनल कुरियर से या फिर कुरियर से डेटा जो है आपका ये जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को बढ़िया से पैक करके और बिल के साथ उस एड्रेस पर आपको सेंड कर देना है, और एक मेल लिख देना है कि हमने जो है अपना प्रोडक्ट जो है इस आईडी पे हमने सेंड करा है। सेंड करने के बाद जो है 1 हफ्ते बाद आपका जो प्रोडक्ट है वो बहुत जो है रेयरली जो है वो थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन विद इन 1 वीक में आपका प्रोडक्ट आपके पास मिल जाएगा। जैसे वहाँ पहुँचता है तो वहाँ से 1 हफ्ते या 5 दिन का वो टाइम लेते हैं, उतने दिन में ये चेक करके जो टीम होती है वो चेक करके आपका जो प्रोडक्ट है वो वापस से सेंड कर देगी। अगर इसमें कोई इशू होगा बनने लायक हुआ तो बन जाएगा, अदरवाइज़ रिप्लेस होकर नया प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। तो इसमें वही इशू हुआ था कि एक जो है ईयरपीस वर्क नहीं कर रहा था, तो मैंने इसे सेंड करा था, कुरियर किया था, तो जो कुरियर का चार्ज है आपको खुद बेयर करना पड़ेगा। और फिर मैंने इसको कुरियर किया, फिर प्रोडक्ट गया वहाँ पे गुड़गांव, फिर वहाँ से वापस मुझे 1 वीक में इसका सर्विस कम्प्लीट मिल गया। तो इसकी सर्विस की अगर हम बात करें तो बहुत ही बेहतर इसकी सर्विस है, और इसका सपोर्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर अगर हम वॉइस की बात करें इसके,
तो अगर हम बाइक पे ट्रैवल कर रहे हो या फिर वैसे भी ट्रैवल कर रहे हो और बात कर रहे हैं तो बिल्कुल क्लियर कट साउंड आपको यहाँ पे सुनने को मिलेगा। म्यूजिक की बात करें तो म्यूजिक का भी एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेहतर है अदर ईयरफोन के कंपेयर में। हाँ, ये है कि जो इसका प्राइस है वो थोड़ा सा कॉस्टली है। पहले इसका जो प्राइस था वो अराउंड 12,000 था, अभी इस समय 6,000 है इसके ऑफिशियल साइट पे। ठीक है, तो ये आपका बेस्ट है, बेस्ट ईयरफोन है। अगर आप परचेस करना चाहते हैं, सोच रहे हैं कि एक वायरलेस डिवाइस लेने के लिए, ये हेडसेट लेने के लिए, तो इसे मैं रिकमेंड कर सकता हूँ। इसको मैं देता हूँ 3.5 स्टार आउट ऑफ 5। तो बढ़िया है, इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छा है, वाटरप्रूफ नहीं है तो फिर भी जो है वो ठीक है, एवरेज है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। फिर भी अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो आप हमें कॉमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। क्या चाहते हैं आप अगले वीडियो में मैं क्या करूँ, कौन सी अनबॉक्सिंग करूँ या फिर कौन सा टिप्स एंड ट्रिक आपको समझाऊँ, आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताएँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।